रहेंगे पाठ एक से ही अभ्यास के प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें क्या दिया है, क वाला मिलान कीजिए, क्या दिया है मिलान कीजिए। तो एक साइड जो है वो चित्र दिया हुआ है और एक साइड क्या दिया है इसी का नाम। तो हमें पढ़ के इसमें से चित्र को देख के बताना है कि कौन सा नाम कहाँ पर लिखा है किसका। तो चलिए आइए देखते हैं, पहला क्या दिया है, क्या चीज़ का चित्र है, ये जो है वो सांप, सांप कौन सा सांप है, ये अजगर, क्या है अजगर। चलिए आइए इसमें से ढूंढते हैं कौन सा इसका नाम है, उसको जो चार अक्षर का होता है नाम वही इसमें है इसका नाम। तो ये है अ धन ज धन ग धन र, क्या हो गया अजगर। हम चार वर्णों वाले शब्दों में पढ़े हैं ना ये, तो ये किस में जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद है ये क्या है तरकश, क्या है तरकश। तरकश किसे कहते हैं, जो हम जो बाण चलाते हैं ना उसमें जो बाण रखे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं तरकश, उसको क्या बोलते हैं तरकश। चलिए इसका नाम ढूंढते हैं हम, कहाँ पर दिया है, ये लास्ट में दिया है चौथे नंबर पे। त धन र धन क धन श बराबर क्या हो गया तरकश। ये भी क्या है चार वर्डों वाले शब्द हैं, तो ये किस में आएगा इसमें आएगा। उसके बाद क्या है बदक, ये किसका चित्र है बदक। तो चलिए आइए देखते हैं इसका नाम कहाँ लिखा हुआ है, ब धन त धन ख बदक। हम इसको तीन वर्णों वाले शब्दों में क्या किए हैं पढ़े हैं, तो ये जो है वो कहाँ जाएगा, ये बदक इसमें आए। उसके बाद है घर, ये क्या है घर, घर हम लोग पढ़े हैं दो वर्णों वाले शब्दों में, घ धन र बराबर क्या हो गया घर। तो ये किस में आएगा, ये इसमें आया। इसी प्रकार से ये है चित्रों की जगह शब्द लिखिए, ये जो चित्र दिख रहा है वहाँ हमें क्या करना है उसके शब्द लिखना है, मतलब नाम लिखना है। तो चलिए आइए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है आग जल रहा है, आग जल रहा है मतलब यहाँ कहाँ क्या हो रहा है यज्ञ हो रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यज्ञ कर, क्या हो जाएगा यज्ञ कर। ये देख रहे हैं इसमें से क्या निकलता है, पानी निकलता है, ये क्या है नल, क्या है नल, नल पर चल। और ये देख रहे हैं ये क्या है बर्तन, बर्तन जो है आपस में टकराते हैं तो आवाज़ आती है उसमें खन खन, तो ये क्या है बर्तन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे बर्तन, क्या होगा बर्तन। उसके बाद है ये